नमस्कार, मु कुमारी ज्योतिप्रभा जेना, ग्राम सहाड़ा, जिला भद्रक, श्रेणी प्लस टू फर्स्ट ईयर आर्ट्स बीएनएमए कॉलेज पाड़ियाबिंधा भद्रक। मु निजे गोटे क्षुद्र गल्प लिखी, से क्षुद्र गल्पर शीर्षक झीर स्वप्न। गोटे गाँवर गरीब परिवार गोटे झील थिला, से झीटर नाम हो स्वप्ना। से सबुबले स्वप्न देखे, पाठ पढ़ी मो बाप माँ ना रखी। झीटे यही स्वप्न देखी देखी चले। ता परिवार कहिले ता बापा माँ, ता चारि भौणी ओ गोटे भाई। झीटी दिन रु राति जाए खाली आनंद ही पाए। तार सान भाई पंचम श्रेणी में पढ़े, सबुबले ता सहित छोट छोट झगड़े से बहुत आनंद पाए। ता घर ठारु से अन्य केउठा को जाए ना, मन हेले ता बापा सहित ता मामू घर को बुली जाए। ता मामू घर को गले ता अजा आई मौसा मौसी तार जत्न नियंती। स्वप्ना खाइला कि नाई, सोइला कि नाई, ता सबु तार से जत्न नियंती। झीटर खाली स्वप्न थाए मो बड़ मनीष हेबी। झीटी ता बाप माँ कहती हाँ तू दिने ना दिने बड़ मनीष हेबू। झीटी भावे मु चाकरी करी, मो बाप माँ को पाखरे रही, मो बाप माँ को पोषि। ता बापा हेउछंती जने कृषक, माँ हेउछंती जने गृहिणी। गरीब परिवार रो झीटीए दिनकर घटना ता सांगसाथी माने पाखरे से बसी थाए। ता सांगसाथी पाखरे बसीथिबा समय रे ता सांगसाथी माने ताकु कहंती तोर तो कोढ़िए वर्ष होइगला, तू पाठ पढ़ी लाभ कौन? तो बाप माँ माने तते पर घर को बाघर करदे, तू पर घर को चली जीवु। से स्वप्ना कांदी कांदी ता घर को चली जाई, ता घरे बसी कांदी। ता कांद सुनी ता माँ दौड़ी आसला, दौड़ी आसी कहिला स्वप्ना तोर कौन होइची, तू कांदुचु काई? स्वप्ना कहिला माँ मो सांग माने कहुचंती तमे कुआडे मते पर घर को बा करेई दबो। ता माँ कहिला हाँ, यह हूँ आम परंपरा और संस्कृतिर नियम, तू निश्चय पर घर को बा होइजिबु। किंतु ता माँ कहुथाए तोर स्वप्न को तू धूलिसात करदे, विवाह परी नियम को तू मानिने, तू पर घर को जीवु, पर घर को जाई संसार तोलिबु। स्वप्ना मने मने भावुथाए निज घर को छाड़ी पर घर को कौन मो निज घर करिपारिबी, कौन संसार तोली पारिबी। से कहुथाए काली मो स्वप्न को मु साकार करिबी। ता बाप माँ को कथा को मानिबा को से नाराज, कहीं समाज में नारी मान को एते घुण्य चक्षुरे देखा जाउची, कहीं कि नारी मान को स्वप्न को साकार न करिबा पूर्वरु पिता माता माने झियो मान को विवाह करि देउछन्ती, कि अपराध? नारी मान को अपमानित, लांछित, अवहेलित करि कौनसी राष्ट्र गरिमामंत होइ पारिबो नाही। नारीर उन्नति ही ए देशर उन्नति। नारी जदि शिक्षित हुए आम देशर अंधविश्वास और कुसंस्कार सब दूरे जीव। नारी मान को आम सम्मान देउछे, रेस्पेक्ट करछे, पुनी नारी को अबला दुर्बला कहउछन्ती केमिति? नारी जदि अबला दुर्बला, पुरुष भी अबला दुर्बला। महर्षि मनु कहंती जत्र नाज्यस्ते पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता। यार अर्थ हेउछि जेउठि नारी माने शिक्षित हुवंती सेठी देवता माने पूजा पांती। स्वप्ना कहउछि बहु जदि गुटे पुरुष शिक्षित हुए जड़े शिक्षित हुए, जदि गुटे नारी शिक्षित हुए सारा परिवार शिक्षित हुए। शिक्षित नारी माने विभिन्न पद पदवी रे चाकरी कले, पुओ मानक सहित समकक्ष कले। नारी परा हेउची दुईटी पाश्रर दुईटी मुद्रा परी, काहेकि समाज रे नारी मानकु स्वप्न को साकार करा जाउ नाही। किंतु स्वप्न मानिबा को नाराज, केवल ता स्वप्न को से साकार करिवो। ता मनरे अनेक प्रश्न उंकी मारु थाए, स्वप्ना खाली भावु थाए मो स्वप्न को साकार करिबी। स्वप्ना कहुथाए मो बापा माँ माने मोर छोट बेलु सबु स्वप्न को साकार करिछंती, कोन एई स्वप्न को साकार करिबेनी? मु भाबिथिलि मो बापा माँ माने मोर अमंगल चाहिबे नाही, किंतु मते पर घर को विवाह करि देले, किंतु मोर स्वप्न को मु साकार करि पारिलि नाही। स्वप्ना सेति पई कहिछि जेभळि कि मोर पितामाता माने मो स्वप्न को साकार न करिबा पूर्वरु पर घर को विवाह करि दैछंती। किंतु कहिछि स्वप्ना जेउ अभिभावक मानक मतरे एभळि धारणा अछि, निज धारणा बदलै दियंतु। जदि
ପୁଅଟି ଶିକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେମିତି ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଶିକ୍ଷିତ ହେଉ। ପୁଅଟିର ଯେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି ଝିଅଟିର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକାର ଅଛି। ଯଦି ଝିଅଟି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆମେ ଭାବିବା ଆମ ମା ଖୁସିରେ ଅଛି, ଯଦି ଆମ ମା ଖୁସିରେ ରହିବ ଆମେ ଭାବିବା ଆମ ସମାଜ ଖୁସିରେ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏ ସମାଜରେ ନାରୀର ଅନ୍ତଃସରତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ନା ଦିଏ ଜୀବନ ନା ସରଳ ରେଖା, ନା ସମତଳର ଉପତ୍ୟକା, ନା ଏଠି ଅଛି ଫୁଲର ସମ୍ଭାର, ନା ମୟୂରର ଛନ୍ଦଭରା ନୃତ୍ୟ, ଉଠାଣି ଗଡ଼ାଣି ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆଁସର ଅଜହ ସନ୍ଧାର। ତଥାପି ନାରୀଟି ଶୀତୁଆ ସକାଳର କଳିକଟ ଫେରି ମେଲାଇ ଦେଉଛି ତାର ଚିକ୍ମିକ୍ ଚିକ୍ମିକ୍ ରଙ୍ଗୀନ ଡେଣା। ଜଳାଜଳରେ ଜଳୁଥିବା ସମୟରେ ନାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖାଯାଏ, ସେ ପସ୍ତଟି ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରେ। କାହିଁକି ଏ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ନାରୀର ଅନ୍ତଃସ୍ରୋତାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ? କାହିଁକି ଏ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ନାରୀକୁ ଏକ ଉପଭୋଗ୍ର ବସ୍ତୁ କରିଦେଇଛି? ନାରୀକୁ ଅପରାଧ କରିଛି, ନାରୀକୁ ଅପମାନିତ ଲାଞ୍ଛିତ ଅବହେଳିତ କରି କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ଗରିମାମନ୍ତ ହୋଇପାରିବ? ଅନେକ ଅଭିଭାବକମାନେ କହନ୍ତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଲାଭ କ'ଣ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭୁଲ ଧାରଣା। ଝିଅଟି ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ଆମ ଦେଶର ପରା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଏଇଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ତା ବୋଉକୁ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବୋଉ ଶେଷରେ ତାକୁ ପର ଘରକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛି। ଝିଅଟିର ସ୍ୱପ୍ନ ସାକାର କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ଝିଅଟିକୁ ତା ବାପା ମା ଖାଲି କହୁଥାନ୍ତି, ତୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ତୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେ। ଏଇ ଗଳ୍ପରେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ସାକାର ହୋଇପାରିବନି? ତା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଧୁରା ହୋଇ ରହିଯିବ? ସ୍ୱପ୍ନ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଛି, ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏଭଳି ତାଙ୍କ ମନରେ ଧାରଣା ଅଛି, ନିଜ ଧାରଣା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ଆମ ଦେଶ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ, ଯଦି କନ୍ୟା ଯଦି ଶିକ୍ଷିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏହା କୌଣସି ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ଏ ବାପା ମାଆକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ବାପା ମା ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଝିଅମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବେ। ଏହି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଯେଭଳିକି ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଝିଅ ତାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ବାପା ମା ମାନେ ତାକୁ ବିବାହ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜକୁ କହିଛି ଆଗେ ଝିଅର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଝିଅକୁ ବିବାହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।